निरसा के वर्तमान विधायक और मासस प्रत्याशी अरूप चटर्जी ने आज अपना नामांकन किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि लड़ाई पिछले बार भी भाजपा से थी और इस बार भी भाजपा से ही है। बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बताते हुए उन्होंने आगे कहा कि इस सरकार में आंगनबाड़ी एवं पारा शिक्षक को लेकर लाठियां भी बरसाई गई। इसके अलावा उन्होंने टूरिज्म पर जोर देते हुए कहा कि इस क्षेत्र के डेवलप होने से बेरोजगारी भी दूर होगी। अपने खिलाफ भाजपा के प्रत्याशी अपर्णा सेन गुप्ता पर उन्होंने कहा कि वे 10 साल तक कभी भी जनता के बीच नहीं गई तो 10 दिन में वो क्या कर लेगी। वहीं JMM की बात पर उन्होंने कहा कि वो तो कुछ ही सीट पर सिमट कर रह जाएगी। आगे CM के लाल झंडा उखाड़ फेंकने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आशा करते हैं कि CM की कुर्सी खुद उखड़ जाएगी। इस बार वहाँ क्या मुद्दे रहेंगे और आपकी लड़ाई किससे है, किससे आपका टक्कर है? देखिए, लड़ाई अगले बार भी भाजपा से थी, इस बार भी भाजपा से होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और मुद्दे स्वाभाविक बात है, जो आज के दिन राज्यभर में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है। जिस तरीके से रघुवर दास जी भ्रष्टाचार भी किए और आंगनवाड़ी से लेकर पैरा टीचर तक तमाम लोगों के ऊपर लाठियां भी बरसाई, ये तमाम मुद्दे हैं। बाकी डेवलपमेंट, लोकल डेवलपमेंट के मुद्दे हैं। हम समझते हैं जो हमारे क्षेत्र में भी टूरिज्म को इस बार ये 5 साल सबसे ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे ताकि टूरिज़्म के माध्यम से कुछ नौकरियां मिल सके और जो बंद फैक्ट्रियां हैं उसको चालू करवाने की जो प्रयास थी उसको जारी रखें। इस बार अपर्णा सेन गुप्ता आपके खिलाफ आई है, पहले भी वो लड़ चुकी है, एक बार वो चुनाव जीतने के बाद मंत्री बने, कितना वो मुकाबला कर पाएंगे? 10 साल जनता के बीच में कभी नहीं गई तो स्वाभाविक बात है 10 दिन में वो क्या कर ले। तो सिर्फ मोदी जी और रघुवर दास जी और सबके नाम लेके वो कितना वोट टान पाएंगे वो देखने की। JMM कोई फैक्टर नहीं है आपके आगे बढ़ रहा है? ये JMM कोई फैक्टर नहीं है, मैं आशा करते हैं 20 से 25 हज़ार में से। CM ने कहा था कि हम लाल झंडा को उखाड़ देंगे इस बार, निरसा से क्या लग रहा है? आशा करते हैं CM की कुर्सी खुद उखड़ जाएगी इस जी। तो वहाँ मैंने मासस जो है क्योंकि एकमात्र जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मजबूती और आप पे सबसे ज़्यादा है, तो मासस के दरबार में दूर सिंधरी और आपका इस बार क्या रहेगा? दोनों इस बार 30 हज़ार से ऊपर वोटों से जीतेंगे। 23 तारीख को हम समझते हैं जो लोग आप लोग फिर से हम लोगों का इंटरव्यू लेंगे इस बार। धन्यवाद।